हमारे मंत्री जी आए हुए सुमित सिंह जी और सब देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं संत गांव में भ्रमण के दौरान की बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा है। कैसा लग रहा है आप जैसे क्षेत्र में घूम रही हैं आप? देखिए पत्रकार भाई क्षेत्र में तो कब से इंतजार लोग कर रहे थे कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए कि हमारा विकास करे, हमारा मान सम्मान करे, शांति बहाल करे। ईश्वर की कृपा से, सबके कृपा से आज हम आ गए हैं, हम प्रयास करेंगे। क्षेत्र में घूम रहे मैडम, क्या लग रहा है समस्या? क्या समस्या भी लोग बता रहे हैं? जी जी, आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्या ही समस्या है, क्या समस्या नहीं है सो बताइए आप। मैडम मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकता होगी क्षेत्र के लिए? सबसे पहले मौका मिलता है तो प्राथमिकता, हमको मौका मिलने से जो हमारे क्षेत्र में शांति बहाल होगा सबसे पहले। और इन लोग जो अपने का जो लगते हैं कि लोग बंधे है और स्वतंत्र नहीं है, कुछ गांव के लोग, सभी गांव के लोग नहीं, और जो वोट मांगने जाते हैं तो इशारा कर देते हैं कि मनोरमा जी आगे बढ़ू ना, हम अपने के साथ हैं। तो शांति बहाल करेंगे और जितना भी इनके द्वारा कहा जाएगा जो विकास का मैटर आएगा और इनका मान सम्मान में मनोरमा देवी सब दिन सिर को ऊंचा रखेगी, कभी भी सिर झुकने नहीं देगी। मेरा नाम है तीर छाप, मेरा निशान है, उम्मीदवार है मेरा एक नंबर पर चुनाव चिन्ह है। जैसे ही आप लोग वोट देने जाइएगा आप लोग से ही हाथ जोड़ पड़ते हैं कि हम लोग सब मिलजुल कर आप लोग हमारा वोट देते और हमको विधानसभा भेजिए। जो भी आप लोग का काम होगा, हमारा सरकार माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार, माननीय जीतारा मोदी जी का सरकार, माननीय चिराग पासवान जी का सरकार, माननीय हमारा भाजपा के भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा पार्टी के है भैया, और अपना अपना गठबंधन के वोट दीजिए और भुलाइए नहीं इन्हें उन्हें, लालच में किसी का नहीं आना है। आप लोग अपना विकास करिए, हमको भी आपके साथ सब मिलजुल के सब करना है। और 13 तारीख को परीक्षा पर वोट दे करके और सब हमको मदद करिए, आगे जो काम करिएगा। मनोरमा देवी आपकी बहन है, आपके लिए हम तैयार रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।